नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है नेगी बुक्स लवर। और आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है 84 बाय सत्य व्यास के द्वारा लिखी गई ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। बहुत ही मज़ा आया मेरे को इस बुक को पढ़ने में और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर गेन करी और बहुत सारी चीज़ें नॉलेज अपने अंदर भरी और मुझे बहुत ही ज़्यादा टोटल मिला के इस बुक को बहुत ही अच्छा लगा। मैं अब आपको बताता हूँ इसके जो लेखक हैं सत्य व्यास, जो उन्होंने अभी तक की 3 बुक लिख चुके हैं। पहली बुक उनकी थी दिल्ली दरबार जो कि 2016 के आसपास रिलीज हुई थी और दूसरी बुक उनकी जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसका रिव्यू कर रहा हूँ उसका नाम है 84 जो कि 2018 में हुई। और 2019 में जो उनकी बुक आई है वो बागी बालिया है। और अब मैं आपको अपना रिव्यू बताता हूँ 84 बुक का रिव्यू जो कि बहुत ही अच्छा रिव्यू है। आपको ये बुक ज़रूर ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक के जो कैरेक्टर हैं ऋषि और मनु, ऋषि एज अ कैरेक्टर जो है कि वो बहुत ही नटखटी है, लड़ाकू है और बड़ों के साथ बड़े ही प्यार से रहता है और समझदारी से बिहेव करता है। वहीं जो लड़की मनु है उसका कैरेक्टर बहुत ही चुलबुली और थोड़ा नटखट टाइप का है और बड़ा ही शरारती टाइप का उसका जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। मनु जो कि सिख फैमिली से बिलोंग करती है वो अपनी फैमिली के साथ रहती है और जो ऋषि है वो एज अ किराएदार होता है जो कि मनु के घर पे रहता है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। किस तरह इस बुक में आपको धीरे धीरे आगे आपको थोड़ा सा इस बुक की जो स्टोरी है थोड़ा सा टर्न होता है 1984 के जो दंगे होते हैं, किस तरह ऋषि उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, कैसे उनकी फैमिली को बचाता है। सच बताऊं तो मुझे इस बुक में जो चीज़ें जानने को मिली वो मेरे को आज तक सच में नहीं पता था क्योंकि मैं खुद ही 84 में पैदा नहीं हुआ था। मैं उसके कई कई साल बाद पैदा हुआ हूँ और मुझे इसकी कोई भी नॉलेज नहीं था। थैंक यू, मैं लेखक को बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कैरेक्टर को या इन नॉलेज को हमारे साथ शेयर करा और जो कि किस तरह उस टाइम 1984 में कितने भयंकर दंगे हुए, कितनी सिख फैमिलियों को मार दिया गया बिना किसी मोटिव के। जो दंगे होते हैं जो लोग करते हैं उस तरह के दंगे हुए और किस तरह सिख की फैमिलियों को कितनी बुरी तरीके से मारा गया और जो कि इस कैरेक्टर में जो ऋषि नाम का होता है किस तरह उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और बचाता है। और आपको धीरे धीरे इसमें आपको उनकी लव स्टोरी जो कि ऋषि और मनु की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छे से पढ़ने को मिलती है इस बुक में और काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को मिलती है। आई रियली रियली लव एंड मैं बहुत ही ज़्यादा फैन हो गया इस बुक का। मुझे सच बताऊँ तो शब्द नहीं आ रहे कि मैं इस बुक के लिए क्या क्या बोलूँ। मेरे पास रियली आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा। और मैं आपको इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको इस बुक की जो लैंग्वेज है वो बताता हूँ। वो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स। मैंने जो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। अगर आप एक हिंदी उपन्यास पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। आप हिंदी के उपन्यासों को पढ़ करके अपनी नॉलेज को इंगेज कर सकते हैं कि हिंदी उपन्यास कैसे होते हैं, हिंदी लैंग्वेज कैसी होती है, उनके बारे में जान सकते हैं और बहुत ही कुछ। ये था मेरा इस बुक का रिव्यू और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हर हफ्ते मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ जाओ, वहाँ पे भी मैं डेली बेसिस पे नए नए कंटेंट डालता रहता हूँ। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।